नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम यहां पर बात करेंगे जो पेंशन बढ़ोतरी है उसको लेकर, जो हमारे सभी रैंक है उसके अनुसार, और जो 3 साल का एरियर यानी जो 2019 में जो रिवाइज होनी थी उससे, वो जो पेंशन का एरियर है 3 साल बाद अब 2022 तक का वो कितना बनता है सभी रैंक्स के अनुसार, हम बिल्कुल डिटेल में आपको शेयर करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक्स और जो बेसिक पेंशन में जो डिफरेंस है, जो बढ़ोतरी होने वाली है, आप आगे जो बढ़ोतरी होकर मिलेगी आफ्टर रिवीजन, और जो ओआरओपी, आपको पता है एक ओआरओपी वो है जो सरकार ने लागू कर रखी है, और एक ओआरओपी वो है जो हमारे एक्स सर्विसमैन असली वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं। हम आपको दोनों के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको कितनी बढ़ोतरी, उसमें कितना फ़ायदा मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम एक सिपाही रैंक के लिए बात करते हैं, अगर क्वालिफाइंग सर्विस 15 to 17 ईयर्स उसकी है तो उसकी जो बेसिक पेंशन की अगर हम बात करें तो वो 17,130 रुपये है, और जिसमें बढ़ोतरी के बाद आफ्टर रिवीजन जो 7 CPC के अकॉर्डिंग वो बढ़कर 20,200 हो जाएगी। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर एक सिपाही के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 3,070 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम आगे अगर नायक की बात करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं बेसिक पेंशन 18,427 रुपये अगर है तो उसमें बढ़ोतरी के बाद यानी 3,023 रुपये की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर 21,450 रुपये एक नायक की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर एक बार हम जो सेकंड टेबल में देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एरियर्स, जो ओआरओपी वन एरियर और ओआरओपी टू एरियर दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। यदि जो ओआरओपी हमारे एक्स सर्विसमैन वेटर्न्स जो हैं वो अपनी जो असली वन रैंक वन पेंशन को लागू करवा लेते हैं, जो केस रिव्यू में गया हुआ है, अगर फैसला हमारे पेंशनर्स के हक में आता है तो करीबन 2.5 लाख रुपये का एरियर यहाँ पर बनता है उनका, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। लेकिन जो सरकार ने वो आरोपी लागू कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग 1,18,000 या 1,16,000 के करीबन यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताया गया है कि एक्सपेक्टेड इतना कुछ एरियर हमारे जो पेंशनर्स हैं उनका यहाँ पर बनता है। हम आगे की रैंक की भी बात एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर जो हवलदार रैंक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बेसिक पेंशन 20,069 रुपये है तो 2956 रुपये की बढ़ोतरी के साथ उनकी पेंशन जो है 23,025 रुपये हो जाएगी। नायब सूबेदार की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूबेदार की भी यहाँ पर 1,296 रुपये की बढ़ोतरी, सूबेदार मेजर की 1,301 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी बिल्कुल क्लियर दी गई है सभी जो रैंक हैं उनके अकॉर्डिंग। और इसी के साथ यहाँ पर फैमिली पेंशन के बारे में भी बताया गया, आप देख सकते हैं फैमिली पेंशनर्स की बढ़ोतरी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर विडो सिपाही या विडो नायक, विडो हवलदार, यहाँ पर सभी रैंक्स के लिए जो फैमिली पेंशन के लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है डिटेल में आप देख सकते हैं। एरियर का लगभग सेम है, यदि ओआरओपी वन के अकॉर्डिंग जाता है तो लगभग 2.5 लाख रुपये और ओआरओपी टू के अकॉर्डिंग जाता है तो लगभग 1.5 लाख के यानी 1,18,000 या 1.5 लाख के करीबन ही बनता है। यहाँ पर हम विडो सिपाही के बात अगर करते हैं, अगर 11,203 रुपये बेसिक पेंशन मिल रही है तो 3,864 रुपये की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर पेंशन में बढ़ावा 15,067 रुपये मिलेंगे। विडो नायक की यहाँ बात करते हैं तो 12,051 रुपये मिल रहे हैं तो 4,449 की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर 16,500 रुपये की पेंशन बनती है। इसी प्रकार से अगर हवलदार की बात करते हैं तो 13,123 मिल रहे हैं तो जो बढ़ोतरी 3,677 रुपये के साथ यहाँ पर 16,800 बनती है। दोस्तों, हमने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है ओआरओपी विद एरियर्स, जो आप देख सकते हैं 1/7/2019 से लेकर जो फरवरी 2022 तक का यहाँ पर एक्सपेक्टेड हमने आपको बताया है कितना एरियर आपका बनता है।
और ORP 1 और ORP 2 दोनों के अकॉर्डिंग हमने आपका एरियर अप्रोक्स बता दिया है, एरियर वैल्यू, और यहाँ पर सभी जो रैंक्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी बताया। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं कि पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।